नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दतिया, लगभग 6 माह पूर्व सिंध नदी में आई बाढ़ के चलते सेवड़ा में बना नया पुल ताश के पत्तों की तरह टूट कर गिर गया था, लेकिन जिला प्रशासन पुल के टूटे हुए हिस्सों पर आज तक दीवार नहीं बनवा सका। प्रशासन ने पुल से आवागमन रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए, लेकिन लोग है कि मानते ही नहीं है, बैरिकेड को हटाकर निकलते हैं। उसी का परिणाम है कि यह घटना हो गई। जानकारी के अनुसार लाहा तहसील के ग्राम बधावली निवासी जगमोहन पुत्र काशीराम प्रजापति अपने बेटे सतीश को लेने महगाम जा रहा था। युवक रविवार को सुबह 5 बजे के करीब मोटरसाइकिल से इस टूटे पुल पर दंदनाता हुआ आया, जिसे कोहरे होने के कारण अथवा पुल के टूटे होने की जानकारी न होने के चलते वह पुल से नीचे बाइक सहित जा गिरा, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी रविवार की सुबह उस समय लगी जब घूमने वाले लोगों ने उसे देखा तो सूचना पुलिस को दी। फिलहाल सेवड़ा थाना पुलिस ने मर कायम का विवेचना में ले लिया है। सिंध नदी में आई बाढ़ से सनकुआ का यह पुल टूट गया था। ये देखो टूटा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर गया। पुल के दोनों तरफ केवल बैरिकेड लगे हैं, जिससे लोग पुल की तरफ ना आए, लेकिन लोग बैरिकेड को बाईपास करके निकल आते हैं, सूचना को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। आज इस कारण यहां पर इस पुल से गिरकर एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक लाहार तहसील के ग्राम बघावली का निवासी है जगमोहन प्रजापति उसका नाम है, और ये उसकी जो बाइक है ये देखिए आप, ये बाइक ऊपर से नीचे गिरी। लगभग 35 फीट हाइट से पुल के टूटे हुए हिस्से से ये बाइक नीचे गिरी और ये मृतक ये घटना रात की है। सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद यह बॉडी निकाली जा सकी। बॉडी पानी में फूल रही थी। कई बार यह बात उठी कि पुल की दोनों तरफ ये जो टूटे हुए हिस्से हैं, पुल का एक यह हिस्सा जो सामने दिख रहा है और एक वह हिस्सा जहां से ये बाइक गिरी है, दोनों ही तरफ दीवार, कच्ची दीवार खड़ी हो जाती तो यह पुल पर किसी का भी आना जाना ना होता, लेकिन दीवार खड़ी करने या परमानेंट बैरिकेड्स जो लोगों के द्वारा ना खोले जा सकें, उस दिशा में कोई कार्य ना हो सका। और आज एक निर्दोष व्यक्ति, जिसे अंदाज़ा नहीं था या जिसने सूचनाओं को नज़रअंदाज किया, बैरिकेड के बगल से जो थोड़ी जगह रहती है उससे निकलकर यह पुल पर आया और यह पुल के ऊपर से नीचे गिरकर इसकी मौत हो गई। ये पुल का वह टूटा हिस्सा जहां से ये बाइक सवार गिरा है। इस घटना के बाद एक बार फिर लोग डरे सहमे हैं। मैं निवेदन करता हूँ सभी लोगों से कि हम सब मिलकर सेवड़ा क्षेत्र की इस समस्या के प्रति थोड़े जागृत हों। पुल के दोनों ही तरफ टूटे हुए हिस्से जहां लोग ना आ सकें, कच्ची दीवारें बनाई जाएं जिससे कोई पशु या व्यक्ति ना आए, और सरकार जल्द से जल्द इस पुल को बनाने का प्लान करे। ये युवक जिसकी उम्र मेरे ख्याल से 30 साल होगी, आज इस हादसे का शिकार हुआ। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।